Hey everyone, what's up? It's me, Nabeel Jalad, and Mariam Chengsa. If you're watching me for the first time, don't forget to hit the subscribe button and make sure that you hit the bell icon that you never miss new videos. So right now, we are going to react on Netflix new series or movie. Dolly Kitty or wo chamakte sitare trailer kona Sen Sharma. Bhutta thi Sharma ho gayi hai. Netflix India. अब हमें ये पता नहीं है ये सीरीज है कि मूवी है, फिल्म है. Netflix ओरिजिनल फिल्म, तो मजा आएगा देखने. Netflix बहुत अच्छा काम कर रहा है. सो देर ना करते हुए बढ़ते अच्छे निकाले Netflix. वाकई Netflix हो गया, फिर वो हो गया Amazon Prime, हो गया Z5, हो गया Disney, हमारे आता नहीं है YouTube तो वैसे ही शुरू से ही काम कर रहा है. हाँ, तो बेसिकली फिल्म है ये और Netflix बहुत अच्छा काम करती है. अच्छा, टाइटल ट्रेलर देखने से पहले एक बात कर दूं, टाइटल से लग रहा है कि जैसे वो था ना मियां बीवी और वो, इसका नाम है डोली कृति और वो, तो डोली कृति कहीं किटी तो ये डोली किटी दो लड़कियां गर्लफ्रेंड तो नहीं है आपस में, गे वाला सिस्टम ना, लेस्बियन गे जो भी है, हो सकता है. सो देर ना करते हुए बढ़ते हैं ट्रेलर की जानिब. सो लेट्स फर्दर डू माइट रियली जंप इनटू द वीडियो. तो हमारे पास नोएडा आ गई है ना, अब कुछ भी हो हम हैं तुम्हारे साथ. सिस्टर हां कहे हां, हमें चीजों हमारे साथ सेट करना चाहते हैं कि शारीरिक समस्याएं हो तो बच्चे की मानसिक अवस्था और शरीर पर गहरा असर पड़ सकता है. और बाप का कोई रोल नहीं दिख रहा है. हेलो, मेरा नाम किटी है, मैं रेड रोज रोमांस ऐप की तरफ से आपकी नई कंपनी गलत रास्ता ले लिया हम लोग. रास्ता गलत नहीं है, अलग है, फास्ट डिलीवरी के लिए. पानी शर्मिंदा ना करो बेटिया, प्लीज. जो आप इस्तेमाल किए वो तो शीतल का खोज के यहाँ देंगे. ऐसा क्या उसके अंडे में जो हमें नहीं है, वो सेटिस्फाई नहीं कर सकते क्या? हमेशा जमा करोगी क्या तुम? सितारे तो रात के अंधेरे में ही चमकते हैं. मैं तुम्हें बताने वाला था. कब बताने वाले थे? इसकी शादी हुई है पहले. चौथा आदमी ना सिर्फ फोन सेक्स जाता है. कभी कभी नफरत होता है खुद से, फिर कभी कभी लगता है कि अगर यही सर्विस औरत लोगों के लिए होता तो कितना अच्छा होता. इतना एक्साइटेड नहीं हुआ मैं. बेसिकली 5 करेक्टर दिखाए गए हैं. सही है, ठीक है. इतना ऑनेस्ट रिएक्शन है. नहीं, वाकई इतना अच्छा. क्लिक बेट टाइप थी असल में ना, ग्लैमर दिखाने के चक्कर में ना थोड़ा सा वाहियाती दिखाई जा रही थी. बेसिकली कहानी ये है, इस ट्रेलर को देख के ये लग रहा है कि 5 करेक्टर हैं, 2 बहनें हैं, ठीक है, एक की शादी, उसका बच्चा भी है, और उसका जो बंदा है ना वो छोटी बहन पे ट्राई भी मारता है, ठीक है, और उसको जो बड़ी बहन है उसको कोई मसला है, कोई सेक्सुअल इशू है उसको, ठीक है, ये नहीं कि शी कांट फील, तो उसको कोई इशू है, लॉजिकल या बीमारी है कोई उसको, ठीक है, पता नहीं कौन सी बीमारी है, वो वीडियो मूवी में पता चलेगा, उसको देखने के लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी.
तो उसकी बहन भी वहां आ जाती है, बहन के भी और उसकी बहन का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी चल रहा है, तो जब हस्बैंड का भी चल ही रहा होगा फिर कहीं ना कहीं बहन का भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, और फिर जो छोटी बहन है ये उसने जॉब शुरू की है और वो कोई एक ऐप है जहां वो समझ लो रात को सेक्सुअल टॉक होती है उसपे, उस ऐप पे वो वहां पे उसको एक लड़का मिल गया, उससे उसको प्यार हो गया, उसका मुझे लगता है उसकी पहले शादी होगी, जो उसने बोला ना एंड में कि कब बताने वाले थे और थप्पड़ मार देती उसको। तो ओवरऑल ट्रेलर ने इतना इम्प्रेस नहीं किया है, तो बिल्कुल भी पसंद नहीं। कुछ भी यानी कि मजे का नहीं लगा, हालांकि ये दोनों जो फीमेल कास्ट है कोंकणा और दूसरी कौन सी थी भूमि, कोंकणा और भूमि बहुत जमी हुई एक्ट्रेस है, टैलेंटेड है, और हो सकता है मूवी में और लेयर्स भी होंगे, ट्रेलर नहीं मजे का लगा, मूवी हो सकता है अच्छी हो, क्योंकि मूवी ट्रेलर में ना ज्यादा क्या नाम है ग्लैमर दिखाने के चक्कर में ट्रेलर थोड़ा सा वाहियात लग रहा है, अगर और टाइप का ट्रेलर होता है तो ज्यादा मजा आता है, जैसे अब स्टार्टिंग में ट्रेलर के स्टार्टिंग में ही भूमि का नहीं भूमि नहीं कौन कना कौन किटी एक बड़ी बहन थी छोटी बहन कर दो ना, ट्रेलर के स्टार्टिंग में ही कोंकणा का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर दिखाया जा रहा है, जो कि यानी कि वो डायरेक्टली समझ रहे हो ना, वो जो सीन दिखाया गया वो नहीं मुनासिब लगा, अगर दिखाते कि अफेयर शुरू कैसे हुआ है जो भी है जो बाद में दिखाया गया है कि वो डिलीवरी बॉय है जिसे उसको अच्छा लग गया है वो, तो उस तरह करते तो ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि ग्लैमर दिखाने के चक्कर में ट्रेलर की मारी हुई है मत, तो मेरा तो यही है कहना, बाकी तुम बताओ तुम ट्रेलर में तुम्हें क्या मुझे कुछ भी अच्छा लगा, आई हैव नथिंग टू टॉक, तो मैं नथिंग टू से के टॉक आई हैव नथिंग टू से यार बहुत अच्छा लग रहा है, मैं पैदा ही अच्छा हुआ था, तो ओवरऑल मैं इंप्रेस नहीं हुआ, मूवी किस दिन आ रही है ये लेट मी सी, मूवी तो देखनी पड़ती है, अब आप काम कर रहे हो ज्यादा ओवर नहीं हो तुम, ठीक है ना, तुम्हें बोला इतना सा चलता है तो इसका मतलब ये नहीं कि बदतमीजी करने लग जाओ तुम, अच्छी वीडियो है आप सब लोग देखिए नहीं तुम ना तुम्हें समझ नहीं लगती कि किधर क्या बोलना है, जब तुम्हें बोल रहा हूँ चीज को क्रिटिसाइज करो बदतमीजी नहीं करो, आई डोंट केयर ये बदतमीजी है, मुझे नहीं अच्छी लगी चीज, ये एक नॉर्मल तरीका है बताने का कि मुझे नहीं ट्रेलर चला, आई डोंट केयर ये क्या तरीका है, किस तरह का एटीट्यूड है, व्हाट इज दिस बिहेवियर पूजा, मुझे लग रहा है 15 मिनट ये भी वीडियो नहीं जा रहा है, नहीं तुम जज्बाती हो जाती हो, नहीं देखने तो बोलो, मैं नहीं मुझे मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तरीके से बताओ ना, आई डोंट केयर बदतमीजी कर रही हो तुम, एवी कॉपीराइट एवी नेटफ्लिक्स वालों ने कॉपीराइट भेज दिया क्या, किसके सहारे होंगे, अच्छा रिलीज कब हो रही है नेटफ्लिक्स, हम आपको यूजर है, हम आपके यूजर है, सारी मूवीज देखता हूँ मैं नेटफ्लिक्स के ऊपर, अभी रिसेंटली मैंने डार्क सीरीज देखी है बहुत उम्दा है, और मैं हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन है नेटफ्लिक्स पर, हाँ एक्चुअली हमारे लैदा अकाउंट है ना, हम शेयरिंग भी नहीं करते, हम लोगों में भाईचारा नहीं है, ये सिर्फ इधर अमीर अमूर कोई नहीं, इधर सिर्फ पैसा कमाने आते हैं और कोई नहीं, ये इधर से जाती है, हम लोग एक दूसरे को मुंह भी नहीं लगाते, चल निकल पहली फुर्सत में निकल, अच्छा तो मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ये भी इंटरेस्टेड नहीं है, ओवरऑल अगर ट्रेलर को मैं पॉइंट दूं तो ट्रेलर भी इतना कोई खास नहीं था, लेकिन समटाइम ऐसा होता है कि बुरे ट्रेलर वाली मूवीज अच्छी हो जाती है, तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि मैं चांस दूं, अब जैसे इसने बोला ना आई डोंट केयर, मैं वो नहीं करता हूं, मैं अगर ट्रेलर बुरा भी लगे ना तो मैं एक चांस देता हूं, मैंने सिर्फ अपनी जिंदगी में सिर्फ एक फिल्म है जो पूरी नहीं देखी, पुरानी जीन्स, वो इतनी मजे की नहीं यारियां फिल्म मैंने पूरी नहीं देखी, वो यारियां इतनी वो अच्छी वो घटिया फिल्म थी, इतने उसके ये इसकी चॉइस आप समझ गए हो ना क्या है, ये वो मेरा नया फोन आया था मैंने उसके ऊपर डाउनलोड करके देखी थी, जब मैं आई थिंक फर्स्ट ईयर में थी, मेरा फर्स्ट ईयर था ICS का, मैं और मेरा दोस्त पूरी रात जाके मैंने वो मूवी देखी थी, वो मूवी की कहानी बड़ी फनी, हाँ उसके सिर्फ गाने अच्छे थे, ये गानों के चक्कर में फिल्म देख लेती है, मैं ऐसा नहीं करता हूँ, अच्छा मेरा पता है क्या हुआ था, मैं बताता हूँ स्टोरी सुनाता हूँ, हम लोग गए, मैं अहमद के घर था, दोस्त अहमद ठीक है उसके घर था मैं, हम लोगों ने डाउनलोड की हुई थी मूवीज देखने के लिए कि आज मूवी नाइट करेंगे, अहमद को की हमने थोड़ी सी जुगते, अगर किसी को नहीं पता जुगते क्या होती है, जुगते होते हैं कि टॉन्ट इन कॉमेडी टॉन्ट क्या जोक्स क्रैक किए उसके ऊपर, जुगते हम उसको जुगते कहते हैं फैसलाबाद में, ठीक है फैसलाबाद की जुगते होती हैं, वो जुगते की क्योंकि स्टार्ट उसने की थी, वो ऑटो कैड के ऊपर काम कर रहा था, क्लासेस चल रही थी उसकी, तो उसके दोस्त आए हुए थे घर पे,
तो उसने उन दोस्तों के सामने की हमारी इंसल्ट। हम लोग थे 10 लड़के थे उसके घर में, मैं था, जिशान था, सारे थे, उमर लोग सारे थे। तो उसने की हमें जुगत, हमने जब रिपीट में हम फैसला बात, हमने जब रिपीट की तो वो माइंड कर गया। अच्छा, उसने दोस्तों के सामने तो कुछ नहीं बोला, सारे दोस्त जब चले गए, जिशान चले गए, सारे चले गए। अब मेरा था स्टे करने का उनके घर में, मैं और अहमद, उमर और अली, हम चारों का मूड था मूवी देखने का। हमारा पहले हमने एक मूवी देख ली हुई थी, क्या नाम है उसका, सीजर वाली, जिसमें प्लैनेट ऑफ द एप्स, ठीक है। दूसरी हमने कहा था चलो यारियां देख लेते हैं, नहीं यारियां नहीं देख रहे, कोई और मूवी देखनी थी हमने, पर डाउनलोड नहीं पड़ी थी। उसने जनाब रात को 3 बजे हमें घर से निकाल दिया, मुझे और अली को। आई रिमेम्बर जब तुम लोग रात के 3 बजे घर आए थे और मुझे बोल रहे थे कॉफी बना के पिलाओ। हाँ, उसी दिन रोने वाले हुए थे। उस दिन मैं और अली, उसने अपने छोटे भाई को भी निकाल दिया घर से मेरे साथ। तो उस रात को फिर हम लोगों ने कॉफी पी है, उसके बाद मैं और अली दूसरे रूम में जाकर ना मूवी देखने लग गए। वो आधी मूवी देखी है, पूरी नहीं हो पाई हमसे, इतनी वो दिल टूटा हुआ था बेचारा। नहीं नहीं, दिल टूटा हुआ था, मूवी नहीं इतनी अच्छी थी वो, सिर्फ एक यारियां मूवी है जो मैं पूरी नहीं कर पाया। उसमें लेम पता है क्या एक्सक्यूज, मैं बताता हूँ लेम क्या थी मूवी। वो लेम ये थी कि स्टोरी राइटर जो था ना, वो कंपेलिंग नहीं थी स्टोरी उसकी, वो डायरेक्टर को पता ही नहीं था वो हमें दिखाना क्या चाह रहा है। प्लॉट्स बहुत होल्स थे, प्लॉट होल्स थे बेसिकली, और कहानी इधर जाती एकदम से इधर हो जाती थी। एक कॉलेज है जी, उसके जो समझ से बाहर है कि कोई स्कीम ही नहीं थी। खैर अभी इस ट्रेलर पे हाँ इस पे आते हैं, ठीक है, मुनासिब है। लेकिन वो जो थी ना यार, मेरी थोड़ी सी बात कर लेना प्लीज, तो ओवरऑल वो मूवी मुझे इतनी कोई खास नहीं लगी थी और बहुत ही फारिग फिल्म थी। तो हाँ बहुत प्लीज प्लीज, मुझे तो मुझे बहुत अच्छी लगी थी वो मूवी, उसके गाने भी बहुत अच्छे थे, गाने अच्छे थे, क्यूट थी कास्ट। यार कास्ट क्यूट होने का मतलब ये नहीं होता कि मूवी अच्छी है, मुझे समझ आ गई थी मतलब स्टोरी। यार होल्स से मैं तुम्हें, हां इन लोगों का मसला ये हुआ था, इनको ये नहीं कि इनको ये होल्स, क्या बोला तुमने, क्या प्लॉट होल्स थे, ये मसला नहीं था। असल में इनको बजे हुए थे ठुड्डे, ठीक है, इनका थोड़ा सा माइंड सेट जो था वो साइड पे गया होता, उसने हमें नहीं नहीं, हम लोग हम लोग फुल मॉल में हमने कोल्ड कॉफी पी है, दिसंबर के दिन में कोल्ड कॉफी पी हम दोनों ने पहले, और फिर उसके बाद मूवी देखी। असल में मूवी में मसला पता क्या था, जो जितना मुझे भी याद आ रहा है, 5 साल पहले की बात है ऐसी। उस दिन मेरे ख्याल से सुबह बाद में एयरपोर्ट भी जाना था मुझे, सना आई थी ना, किसी को लेने ना, एयरपोर्ट भी जाना था, तो हम लोग जाग रहे थे। तो अच्छा सीन क्या हुआ कि उसमें जो मसला था ना मूवी में, कि एक कॉलेज का सिनेरियो दिखाया जा रहा था, कॉलेज के लूजर्स जो थे उनको उन्होंने विनर्स बनाना था, कुछ इस टाइप का था। और वो लूजर वो थे, यार देखो अब समझ से बाहर है कि वो टीम समझ नहीं लग रही थी, टीम की कोऑर्डिनेशन, टीम का जो एक दूसरे के साथ वो होती है ना केमिस्ट्री, वो नहीं समझ आ रही थी, केमिस्ट्री समझ नहीं आ रही, केमिस्ट्री समझ नहीं लग रही थी करेक्टर्स की। इसलिए मैं थोड़ा पीछे हो गया, क्योंकि करेक्टर एक दूसरे से सिंक ही नहीं कर पा रहे थे। अब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का प्यार प्यार शो ही नहीं हो रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था। सो गाइस दैट्स इट फॉर नाउ, दिस इज आवर रिव्यू ऑन यारियां मूवी। नहीं नहीं, नॉट ऑन यारियां, इट्स अ ट्रेलर रिव्यू, इट्स अ ट्रेलर रिव्यू ऑफ मैं किटी और वो, किटी और वो स्टार, मैं कृतिक, मैं ये डॉली, किटी और वो स्टार, क्या आगे क्या है, स्टार्ट क्यों कर दी है, इतना ही पढ़ना था सिर्फ, डॉली किटी और वो चमकते सितारे ट्रेलर को बस पूरा नहीं, डोली कृतिक और वो चमकते सितारे। सो गाइज दैट्स इट फॉर नाउ, दिस इज आवर ट्रेलर रिव्यू ऑन डोली कृतिक और वो चमकते और वो चमकते सितारे। अगर आपको ट्रेलर अच्छा लगे तो हमें भी सजेस्ट करें, हम मूवी देखें या नहीं। मैं देखने वाला हूँ, वैसे नहीं मेरी इंटरेस्ट नहीं हुई, मैं देख लूंगा क्योंकि मुझे रिव्यूज भी करने होते हैं मूवीज के। आप सजेस्ट कीजिए, कमेंट बिलो, बड़े गाने देख लीजिए होगी मेरी। सो गाइस दैट्स इट फॉर नाउ, इफ यू लाइक वॉचिंग आवर वीडियो प्लीज गिव अस अ बिग फैट थम्स अप, ये किसने करना होता है, भूल जाती हूँ हर बार, 1 2 3 If you like watching our video, please give us a big fat thumbs up. If you want to suggest us something or you have any question, please write there in comment section below. You can also follow me on Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter, TikTok, Likey. Basically, I'm everywhere. Simply search NMB Lessa Chetty and you will find me. You can also find her. हर बार ये कि जो भी चलता है। नहीं मुझे follow करते हैं ना, तो मैंने You can also click here to subscribe our YouTube channel. After subscribing our YouTube channel, please ring the bell for notification. It can help you to stay to our YouTube channel. You can also click here to watch our other videos. Stay blessed, stay happy, enjoy your life. Bye, take care, peace.